देखते संदेश हट ना यार छोटू को साइड वाले उसको भी दे उसको भी दे दुकान है बोल रहा ना उसको आगे दे संदेश क्लियर कर सब क्या इतना लोकप्रिय जो सबको पीछे कर आगे वाले सबको पीछे कर क्या कर रहे हो ज़्यादा प्यार करती हूँ नहीं अजय इज़ पार्ट ऑफ माई टीम और हम लोग ज़्यादा टाइम एक्चुअली अपने जो मेकअप हेयर हमारा जो यू नो मैन फ्राइडे है एंड मैनेजर भी एक्चुअली स्पेंड मोर टाइम विद देम देन आर ओन फैमिली तो वो एक्सटेंडेड फैमिली जैसा रिलेशनशिप है इनके साथ और अजय तो
हम लोग बताते नहीं कितने साल से हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि उससे हमारे एज का पता चल जाए. तो एक्चुअली सिर्फ बहुत ही हाल ही में हम लोग एक दूसरे से मिले हैं. नहीं बट बहुत प्यार वाला रिश्ता है एंड जो जैसे मैं लगती हूँ और अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो इनकी मेकअप की वजह से. वो जो दूसरा फेस लगता है मेरे फेस में वो इनकी बदौलत है. तो हाँ गुड इवनिंग, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं आपको भी, नवरात्रि की शुभकामनाएं. अजय जी बहुत ही पावन पर्व है आज, उसमें आज आप अपने इसका उद्घाटन कर रहे हैं, कुछ शब्द कहना चाहेंगे हम आज के अवसर पे और शिल्पा के लिए? मेरे लिए गुड़ी पड़वा तो मेन है, लेकिन मैडम ने संडे के लिए हाँ बोला ना, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ एक्सपेंड करते हैं हमेशा संडे. इन मेरे लिए टाइम दे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. पहली बात तो इनकी कोई ऐसी चीज बताइए जो आपने इतने समय में जानी हो, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट बहुत क्लोज रहते हैं, कोई सीक्रेट या कोई चीज हमारे साथ शेयर करना? सीक्रेट ऐसे नहीं, मेकअप से बहुत प्यार करती, इतना मैं बोलूंगा. लेकिन सीक्रेट ये कि ज्यादातर मेकअप से बहुत प्यार, उनको बहुत पसंद है मेकअप करना. शी लाइक इट. एनीथिंग पर्टिकुलर जो उनकी मतलब रिक्वायरमेंट होती है जब व्हेन शी कम्स अप फॉर एनी मेकअप के लिए? मतलब कॉन्टरिंग को चाहिए, आई स्मोकी वगैरह, जिस तरह से फैशन जो आजकल अपग्रेड वाला मेकअप, वही उनको चाहिए. कोई पुराना स्टाइल करने, नया क्या करेंगे हम लोग, नया वो हम लोग दोनों भी स्टडी करते रहे, वो फोटोज भेजेंगे मुझे आज नया मेकअप ये करना है, तो वो फॉलो करते हैं, तो अच्छा लगता है, मेरा भी काम हो जाता है, उनका भी हो जाता है. इतने साल में टिकती नहीं अगर हम लोग रीइन्वेंट नहीं करते. और मेकअप का जो दौर है और जो स्टाइल है, फैशन है, वो बदलता रहता है. एंड जो पहले हम लोग बहुत हैवी आईज करते थे और बहुत ज़्यादा मेकअप करते थे, अब इट्स डेफिनेटली यू नो द नो मेकअप लुक, वेरी फ्रेश ड्यूई ग्लॉसी मेकअप, वो आजकल फैशन में चल रहा है. तो यू हैव टू move ahead with times. और अजय और मैं, we work as a team and मैं references निकालती हूँ, अरे ये देखो ये नया कुछ निकला है. मैं travel करूँगी abroad तो एक कोई बेका का नया palette आ गया होगा and I'll bring it and I'll say इसके साथ थोड़ा सा experiment करते हैं. तो we always work together as a team. Airport look भी होता है? Airport का कोई look वुक नहीं होता मेरे लिए. Airport पे सिर्फ sunglasses पहन चलते हैं. हाँ, आप लोगों ने जीना हराम कर दिया है हमारा. पर आप ही लोग मिस करते हैं हमें एयरपोर्ट पे, ये लुक होता है मेरा, आ गए तुम लोग. पर आप लोग अंदर अंदर सोचते हैं कि जब निकलते बैगेज वैगेज की बाहर खड़े होंगे ये लोग, ऐसा अंदर मन में आता है? नहीं, जैसे करण ने हाल ही में ट्वीट किया ना कि कभी कभी हम तैयार हो गए निकलते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम्स आई डू इवेंट्स, तो मैं कभी रहती नहीं हूँ ओवरनाइट, क्योंकि मैं वियान के पास वापस आना पसंद करती हूँ. तो मैं एक्चुअली जाती हूँ सुबह सुबह की फ़्लाइट से, कभी कभी 6-7 बजे सुबह की फ़्लाइट से, और मैं वही कपड़ों में जाती हूँ. मैं कभी कभी एयरपोर्ट पे चेंज करती हूँ, इवेंट पे जाती हूँ और वापस आती हूँ उसी रात को. तो कभी सो समटाइम्स इट्स लाइक इतने थके हारे होते हैं हम लोग रात की 12 बजे की फ़्लाइट पे, वहाँ पे प्रेस वाला खड़ा है, लेकिन जब सुबह के टाइम पे जब हम लोग फ्रेश होते हैं कभी नहीं होते. सो यू जस्ट समटाइम्स फील के कभी ऐसे झल्ले वाले कपड़े पहने, लंबी फ्लाइट है, तभी हमेशा होते हैं प्रेस वाले. हाँ, मिस तो करते होंगे ना आप हमें जब? बिल्कुल. कुछ और जवाब सुनना था आपको. मैं प्यार भी करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हो. एंड आई रियली फील कि एक आर्टिस्ट का, पापराजी का एक मेल होता है, एंड आई थिंक वी फीड ऑफ ईच अदर. तो वो जो श्रेय मिलना चाहिए आप लोगों को, मुझे, मैं कभी कभी डर जाती हूँ आप लोगों को देखती हूँ यहाँ पे इतने भीड़ भड़क के, मैं कैसे तुम लोग शॉर्ट्स लेते हो, और इट्स अ वेरी हार्ड जॉब. तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो आप लोग करते हो. व्हाट द पैप्स डू इज़ वेरी वेरी हार्ड. उनको कभी छुट्टी मिलती नहीं. देखो आज गुड़ी पाड़वा का दिन है, संडे का दिन है, लेकिन यू ऑल आउट हियर वर्किंग एंड आई रिस्पेक्ट दैट. शिल्पा जी, आज आपने करण जी की बात की, करण जी की मम्मी का बर्थडे है. हाँ, और 25 लोगों का बर्थडे है, सब लोगों को मैं विश कर दूँ. लेकिन हीरो आंटी को अगर मुझे विश करना है तो मैं उनको फोन पे विश करूंगी. तो आज पार्टी होगी? नहीं, मैं इनवाइटेड नहीं. शिल्पा,
25 साल हो गए हैं. व्हाट हैज बीन द हाईलाइट एंड व्हाट्स योर बीइंग ऑन. आई डोंट नो व्हाट. मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं पता नहीं इतने साल टिकी कैसी हूँ. और मैंने ज़िंदगी में कुछ प्लान नहीं किया है, बस लोगों की दुआएं हैं, मेरे पेरेंट्स का ब्लेसिंग है, और शायद आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे, तो यू ऑल गिव मी अ बिट ऑफ इम्पोर्टेंस. बट आई थिंक एवरी ईयर इज़ अ न्यू ईयर फॉर मी. मुझे ऐसे लगता है आज भी जब मैं सेट ऑफ करती हूँ और मैं आती हूँ सेट पे, तो एक मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं एक न्यू कमर ही हूँ. तो दैट्स माय एटीट्यूड एट वर्क. लास्ट दो चीज़ें आपने सेट पे बात की. आजकल आपके सेट के ऊपर बहुत फोटोज आते हैं, मतलब पेज 3 पे, मतलब कि मतलब कहाँ आइस, मतलब कई बार आप नारियल पानी खा रही. मैं नारियल वो जो अंदर का नारियल था ना, मैं वो खा रही थी, मलाई. लोगों ने छाप दिया कि मैं आइसक्रीम खाती हूँ सेट पे. कई बार अलग अलग पोज में भी फोटोज आती हैं कि मतलब आप यूँ खड़ी हुई और ये सब, मतलब ध्यान रखती हैं आप इस चीज़ का? क्या ध्यान रखूँ, तुम लोगों को वो अच्छे शॉट्स, वो जो शॉट्स जिसमें मेरा ध्यान होता है वो अच्छे नहीं लगते. कुछ आड़े आड़े तेड़े से शॉट्स ही अच्छे लगते हैं ना. सही अजीब अजीब पंगा ले लिया ना मैंने. मुझे लगा सुपर डांसर पे कभी कभी सुपर से ऊपर परफॉर्मेंस होंगे, लेकिन यहाँ पे तो हर रोज हर एपिसोड पे हर बच्चा सुपर से ऊपर परफॉर्म करता है, तो जो मैं चढ़ती हूँ ऊपर. As we lead, they are asking, it's time to extend our prayers for Irfan ji also. I know. But I worked with him. मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी खबर सुन के. बट मेरा ये मानना है कि फेथ कभी लूज नहीं करना चाहिए. तो आई रियली हैव फेथ. मैंने फेथ को छोड़ा नहीं है. आई थिंक ही विल कम आउट ऑफ इट. ही इज़ अ वॉरियर एंड आई थिंक ही विल फाइट इट. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता. इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं, और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं. लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं. इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी. दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर. ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस.